नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स के बारे में। इस यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। और ये मान लीजिए कि अगर रेलवे का पेपर होता है तो रेलवे के पेपर में चार पेपर में से एक पेपर यहाँ पर वाटरफॉल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूँ ताकि आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स की बात करते हैं। तो पहला जो वाटरफॉल है ये है जोग या गढ़सोप्पा वाटरफॉल है। जोग या गढ़सोप्पा जो वाटरफॉल है ये शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? शरारती नदी पर, शरावती नदी पर ये स्थित है जोग या गढ़सोप्पा वाटरफॉल। नेक्स्ट जो वाटरफॉल है ये है येन्ना जलप्रताप। येन्ना जलप्रताप ये किस नदी पर बना है? ये बना है नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये जो नर्मदा नदी है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर यह सोन नदी में मिलकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रताप। जो शिव समुद्रम जलप्रताप है ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रताप स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है गोकक नदी पर कौन सा है? गोकक जलप्रताप है। गोकक नदी पर गोकक जलप्रताप है, यहाँ पर जलप्रताप होगा। नेक्स्ट है पायकारा जलप्रताप। ये जो पायकारा जलप्रताप है ये है नीलगिरी नदी पर। किस नदी पर है पायकारा जलप्रताप? तो ये वाटरफॉल नीलगिरी नदी पर है। नेक्स्ट है चुलिया। दो हैं, एक है चुलिया जलप्रताप, चुलिया वाटरफॉल, और एक है पुनीसा वाटरफॉल। कौन सा? पुनीसा वाटरफॉल। तो दो वाटरफॉल है, चुलिया वाटरफॉल और पुनीसा वाटरफॉल। ये दोनों के दोनों ही किस पर हैं? चंबल नदी पर स्थित हैं। अच्छा, ये जो चंबल नदी है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ओके, राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश को होकर जाती है। नेक्स्ट है पुनीसा, ये भी हो गया चंबल नदी पर। इसके बाद बात करते हैं धुआंधार जलप्रताप। ये जो धुआंधार जलप्रताप है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रताप। कौन सा? हुंडरू वाटरफॉल। तो जो हुंडरू जलप्रताप है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रताप स्थित है। नेक्स्ट जो जलप्रताप है ये है चित्रकूट जलप्रताप। ये है इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रताप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना बिहार में कौन सा जो बिहार का जो जलप्रताप है ये है टोंस नदी पर स्थित है। किस पर नदी पर है? टोंस नदी पर। तो इस वीडियो के अंदर हमने लगभग 10 से 12 वाटरफॉल्स जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स थे इनको रिपीट करके एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। तो इन वाटरफॉल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर मिलता है तो आपका एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।